Dear students of first semester, आज के इस लेक्चर में डिफरेंशियल कैलकुलस के एक टॉपिक जो हमने कल के लेक्चर में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था दैट इज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन, उसी के बारे में हम कुछ चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं. दैट इज उस डेफिनेशन में हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो दी थी वहां पे हमने कहा था कि डेल्टा का वैल्यू डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन होता है, वो किस तरह उस एप्सिलॉन के वैल्यू पे डिपेंड करता है वो आज हम थोड़ा बहुत एक एग्जांपल के थ्रू से आपको समझाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इस मौजू को जारी रखें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने कोलीग्स क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर कर लेना ताकि वो भी इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सके. आपने ट्वेल्थ क्लास में एक सिंपल सा एग्जांपल पढ़ा ही होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन फोर एक्स माइनस थ्री इट इज इक्वल टू फोर इंटू वन माइनस थ्री इट इज इक्वल टू सेम वन. आपने पढ़ा ही होगा, सिंपल सा एग्जांपल है. यहां पे वन इस फंक्शन का लिमिट है एज एक्स अप्रोच टू वन. अब इसी एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाएंगे किस तरह डेल्टा का वैल्यू डिपेंड करता है एप्सिलॉन के वैल्यू पे. मीन्स हमने फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स माइनस थ्री, लिमिट एट पॉइंट, लिमिट इसका देखना है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वन. Taking f of x is the limit. Limit is function. The limit of the function. Function f of x at x equal to 1 is itself 1. Wo 1 hai. Now we show kis tarah delta ka value depend karta hai epsilon ke value pe. We have here taking f of x माइनस एल जो हम डेफिनेशन में लेते हैं दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज हियर फोर एक्स माइनस थ्री. एल का वैल्यू हमारे पास यहां वन है माइनस वन, वी कैन राइट इट एज फोर एक्स माइनस थ्री माइनस वन दैट इज माइनस फोर. वी कैन राइट इट एज फोर इंटू एक्स माइनस वन. फोर बार फोर इज पॉजिटिव, ये बाहर चला जाएगा मॉडल से, इट बिकम्स एक्स माइनस वन. यहां पे x माइनस वन, x इज एनी रियल नंबर. वी कैन टेकिंग मॉडुलस ऑफ x माइनस वन इज लेस देन एप्सिलॉन बाय फोर, ये हम ले रहे हैं एप्सिलॉन बाय फोर विच इज इक्वल टू डेल्टा, विच इज इक्वल टू डेल्टा. यहां पे दैट इज माइनस ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन डेल्टा. ये वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फर्स्ट में. दैट इज वी हैव हियर एफ ऑफ एक्स जो गिवन फंक्शन है माइनस लिमिट एल इज लेस देन फोर टाइम्स, लेस क्यों आ गया, एक्स माइनस माइनस ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन डेल्टा. दैट इज यहां पे लेस इसीलिए आ गया फोर, यहां पे फोर टाइम्स दिस दैट इज डेल्टा. वी राइट एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन फोर टाइम्स डेल्टा. डेल्टा इज हियर एप्सिलॉन बाय फोर, फोर एंड फोर विल गो और एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन कब यह होगा फॉर एक्स माइनस वन इज लेस देन डेल्टा. ये हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ द गिवन फंक्शन टू फाइंड लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू वन. फंक्शन इज हियर फोर एक्स माइनस थ्री, यहां पे फोर एक्स माइनस थ्री, एल का वैल्यू हमारे पास वन है. इस तरह हम इस फंक्शन में हमने देखा कि ये जो एप्सिलॉन डेल्टा का वैल्यू है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ
एप्सिलॉन। यहां पे एप्सिलॉन का वैल्यू जैसा होगा उसी अंदाज से आपको डेल्टा का वैल्यू भी मिलेगा, क्योंकि ये एप्सिलॉन हम खुद ही लेते हैं। यहां पे हमने टेकिंग मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन एप्सिलॉन बाई फोर, ये हम खुद ही चूज कर रहे हैं। देन टेकिंग दिस एप्सिलॉन बाई फोर इक्वल टू डेल्टा, क्लियरली डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। यहां पे एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फोर जब ये होगा, इसका मतलब ये जो डेल्टा है डेल्टा डिपेंड्स अपॉन, डेल्टा नेसेसरी डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन हमारे हाथों में होता है कौन सा वैल्यू हम यहां पे एप्सिलॉन को देंगे। बट एप्सिलॉन इज द स्मॉलेस्ट रियल नंबर, जितना स्मॉलेस्ट आप एप्सिलॉन का वैल्यू लेंगे उसी हिसाब से आपको डेल्टा का वैल्यू भी मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।